तारीख पे तारीख मिल रही है गाइस, पर यहाँ पे BSNL का ना 4G मिल रहा है और ना 5G मिल रहा है। इतना ही नहीं, और सुनिए, अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा है किसी भी फील्ड से, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है पेटीएम की तरफ से जॉब। अब पूरी जानकारी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलो गाइस जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज व्हाट्सअप तो आप लोग यूज़ करते होंगे, तो व्हाट्सअप की तरफ से एक न्यू अपडेट आ रहा है, एक न्यू फीचर आ रहा है। अभी अगर आपको किसी को फोटो वगैरह भेजना होता है तो आप लोग डायरेक्टली अगर फोटो भेजते हो तो क्या होता है, इसका क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट वगैरह में उसको सेंड करना पड़ता है। वही जो एप्पल यूजर्स है जो आईफोन वगैरह यूज करते हैं उनको और थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होता होगा हाई क्वालिटी में सेंड करने में। तो व्हाट्सअप की इस अपडेट के बाद आप जितने भी साइज का इमेज भेजोगे, लाइक 10 MB का अगर किसी को इमेज भेज रहे हो तो उसको भी 10 MB का ही मिलेगा, यानी कि आपका क्वालिटी है बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन नहीं होगा। जो आपका यहाँ पर साइज है वो यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, मतलब वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि फुल क्वालिटी में भेजना चाहते हो या फिर लो क्वालिटी में भेजना चाहते हो, ठीक है। तो ये अपडेट आने वाला है बहुत जल्दी। तो गाइज जियो 5G या फिर एयरटेल 5G यूज़ करना चाहते हो, बट अगर आपके पास एक 4G स्मार्टफोन है और 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे अभी रुक जा, बिकॉज बहुत जल्दी पोको का एक न्यू स्मार्टफोन आने वाला है, पोको X5 Pro, जिसमें काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स आपको मिलने वाला है। और ये जो पोको का स्मार्टफोन होगा वो अगले महीने यानी कि फरवरी को 6 तारीख को आपको यहाँ पे लॉन्च होते हुए दिख जाएगा, यानी कि उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्पेसिफिकेशंस है आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है, और यहाँ पे स्मार्टफोन को मैं भी परचेज करने का सोच रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि स्मार्टफोन किस तरह से यहाँ पे निकलता है, खरीदने लायक होगा तो जरूर से आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो गाइज बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, और अगला जो अपडेट है यहाँ पे जियो के एयर फाइबर की तरफ से आ रहा है। अब रिलायंस जियो का ऐसा कुछ प्लान नहीं है फिलहाल में जियो एयर फाइबर को लॉन्च करने का, बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जो जियो का एयर फाइबर है वो जियो के एम्प्लॉयज को टेस्टिंग के लिए दिया जा रहा है। तो टेस्टिंग के बाद जब उनसे रिव्यू लिया गया तो काफ़ी सारे लोगों के ऐसे मिक्स्ड रिव्यूज थे, कुछ को स्पीड उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ को नेटवर्क जो था उसमें थोड़े से प्रॉब्लम वगैरह नजर आ रही थी। तो ये जो फीडबैक है उन्होंने कंपनी को दिया, तो फिलहाल जो है कंपनी इसी पर वर्क कर रही है, ऐसा मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है। तो काफ़ी जल्दी इसका एक और अपडेट आने वाला है, तो जैसे ही वो आता है मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो गाइस ChatGPT के आने के बाद सब तरफ ऐसे खलबली मच गई है, सब लोग कॉपी करना चाहते हैं ChatGPT को। गूगल अपना खुद का यहाँ पे एक चैटबॉट बना रहा है, और यहाँ पे पता चला है कि जो चाइना का गूगल है यानी कि बाइडू, वो भी अपना जो है खुद का ऐसा ChatGPT टाइप का चैटबॉट बनाने जा रहा है। और इसी कारण से अभी जो चाइना भी इस पे वर्क कर रहा है, चाइना भी टक्कर देना चाहता है। अभी चाइना वाले तो एक्सपर्ट है कॉपी करने में, देखते हैं कि चाइना वाले जो ChatGPT होगा वो कैसा होगा। वैसे वो जो है वो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि चाइना वाले कितना ज़्यादा डेटा चोरी करने के पीछे पड़े रहते हैं। कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो उनसे डेटा चोरी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आप लोग को ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मिले तो उसको प्लीज़ इस्तेमाल मत करिएगा। इस बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, और अगला जो अपडेट है वो BSNL 4G का एक अपडेट है। आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसी साल 2023 में जो है BSNL का जो 4G है वो पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा इस साल के लास्ट तक, बट अभी लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, कि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि BSNL का जो 4G उसको डिले कर दिया गया था। अब भी हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक यानी कि लास्ट क्वार्टर तक इसको चालू किया जाए BSNL 4G के रोल आउट को, उसके बाद हो सकता है 2024 के मिड तक या फिर लास्ट तक हमें BSNL का 4G देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपनी यहाँ पे 5G लॉन्च कर रही है और यहाँ पे हमारा जो BSNL है अभी 4G पे अटका हुआ है। तो गाइज अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो और आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, तो यहाँ पे पेटीएम जो है वो जॉब ऑफर कर रहा है उन लोगों को जो कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं। एक्चुअली मैं अभी जूनियर मैनेजर या फिर आप बोल सकते हो सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है वो बहुत सारे खाली है, इसी कारण से पेटीएम जो है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को वो हायर करने वाला है। तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, उसके बाद अप्लाई कर देना तो हो सकता है कि आपको पेटीएम यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। तो गाइज जितने भी सारे यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ थे मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आप फुली अपडेटेड हो गए होंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।